बर्फबारी से पाक की शान बड़ी निराली जगह यूं पाते हैं कि पीरा ने पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी जिनको हम सब बड़े पीर के नाम से जानते हैं, इनकी शान में बताते हैं कि बड़े पीर की शान ऐसी है, पीरा ने पीर की शान ऐसी है कि सारी दुनिया को हथेली में रखकर पीरा ने पीर सारी दुनिया को हथेली में रखकर पीरा ने पीर हथेली में रखकर सारी दुनिया को देखा। पीरा ने पीर की नजर में ये सारे का सारा आलम, सारी की सारी की दुनिया बड़े पीर की निगाह में एक रागी के दाने के बराबर है। बड़े पीर हथेली में दुनिया को रखती और सारी दुनिया को देखते रहती एक नजर। जहां कहीं भी पीरा ने पीर के आशिक मशहूर हुआ या पीर अल मदद कर को पुकारती तो गौसे आजम फौरन उनकी मदद के वास्ते आपको तैयार हो जाते। या वारिस, या वारिस, या वारिस, जब भी कोई या गौस अल मदद कर को पुकारती तो फौरन पीरा ने पीर उनकी मदद को हाजिर हो जाता और जिसे जो हाजत है वो पीरा ने पीर उसकी हाजत को पूरी कर दिया। ये तो बड़े पीर की शान है, पीरा ने पीर की शान है, लेकिन आलम पना वारिस से पाक की शान कुछ और ही निराली है। वारिस से पाक की शान कुछ और ही निराली है कि बताती कि सरकार आलम पना वारिस से पाक सास जमीन में क्या हो रहा है, सास जमीन में कोसी मखलूक को क्या जरूरत है और ये सारे आलम में और सात आसमानों तक जो भी मखलूक है जिसकी भी जो जरूरत है या वारिस जब पुकारती तो सरकार वारिस से पाक अपनी शायाने शान के मौके उनकी मदद कर रहा। सरकार आलम पना वारिस से पाक की शान आला और अफजल है क्योंकि अल्लाह के नबूवत को नौनामा है, हर नाम की एक एक सिफात है, जो नाम से भी अल्लाह को जैसे पुकारते रहते उस उसकी सिफात काम करते रहते। कोई या अल्लाह पुकारता है तो ये तो जात है, सिफात ऐसी है, अल्लाह एक जात है और नवत को नौ सिफात है। कोई या रहीम जब पुकारे तो उनके साथ रहम का मामला हो, कोई या करीम पुकारे तो उनके साथ करम का मामला हो रहा है, कोई या रज़ाक पुकारे तो उनके साथ मदद का मामला हो रहा है, कोई या सत्तार पुकारे तो उसके साथ पर्दादारी का मामला हो रहा है। तो हर एक नाम की एक एक सिफात है, लेकिन सरकार वारिस पाक का जो नंबर तो नौ नामों में से एक नाम है ये वारिस की सिफात ही कुछ और है। ये नाम की सिफात ऐसी है, मिश्कात उल अफगानिया में बता दी फजल हुसैन वारसी रहमतुल्लाह अलैह कि ये वारिस की सिफात ऐसी है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कयामत आ जाते पूरी आलम पना हो जाता है, जबकि आलमा ही सब पना हो जाते हैं, कोई चीज बाकी नहीं रहती, फरिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, सब खत्म हो जाते हैं,
उसके बाद जो बाकी रहती उसे वारिस बोलते। या वारिस। ये वारिस की जात सब कुछ खत्म होने के बाद जो बाकी रहते वो जात का नाम वारिस है। ऐसी बाकी रहने वाली जात का नाम हमें ले रही तो हमें कितने खुशकिस्मत। तो सरकार वारिस पाक के नाम की सिफात ऐसी है, अगर कोई शख्स तंगदस्त होगा, मजबूर होगा, बेबस होगा, उसे कोई सहारा नहीं मिल रहा है, उसे कोई दुनिया में मदद करने वाला नहीं है, अकेला हो गए, तनहा हो गए, लावारिस हो गए, ऐसे आदमी को ऐसे हाल में बताती कि उसे चाहिए कि उसे या वारिसों का जिक्र किया करे। या वारिस जो तंगदस्त रसदार मजबूर लाचार आदमी मगरिब से लेकर इशा तक या वारिसो का जिक्र करता है तो कुछ ही दिन में उसके सारे हालात बदल जाते हैं। ये हमारे पीर वारिस पाक के नाम का असर है। नाम की जो है उनके नाम की सिफात की जो है रहमतें बरकतें ऐसी हैं। अगर वो वारिस पाक को हमें दिल से चाह रही, हमारे पीर मान ले रही, उनसे आशिकी कर रही, उनसे मोहब्बत कर रही, उनके गुलामा बन गई तो हमारे ऊपर सब कहता नजरों करम होगा। सरकार वारिस पाक की शान ऐसी निराली है कि जो जैसी हाजत ले को आता है उसे उसकी जरूरत के मुआफिक पूरा करता है। पंजाब में एक पंडित है, बहुत बड़े पंडित, उनको खुदा को देखने का शौक पैदा हुआ। बहुत अदमे से दरियाफत करें कि मैं खुदा से मिलना चाहूं, मगर कौन भी उनको पक्का पता नहीं दे सके कि खुदा कहाँ मिलता है, उससे मिलने की तरतीब क्या है, वो कैसा है, कहाँ रहता है, कोई नहीं पता नहीं। बस सरसरी बातें बताते, उनसे मिलो उनसे बढ़िया से मिलो। तो सुनते सुनते वो पंडित को मालूम हुआ के देवा शरीफ में एक बुजुर्ग ही बहुत पहुंचे हुए हस्ती, कौन क्या इरादा लेने को जाता है, कौन क्या ख्यालात लेने को जाता है, उसकी हाजत को पूरी करना। तो पंजाब से सफर करके वो पंडित देवा शरीफ को आ गया, खुदा से मिलने की तड़प थी तो पंजाब से देवा शरीफ तक का सफर हो गया। अब देवा शरीफ की गलियों में ये ऐलान कर ले वो तेरे पंडित जी कि मैं ये बुजुर्ग का ये वारिस पाक का नाम बहुत सुन को हूँ, इन बहुत बड़ी हस्ती हैं, आज मैं इनको आजमाने आ गया हूँ, आज मेरे दिल में क्या है, मैं जो तमन्ना ले ले गई हूँ वो तमन्ना पूरी कर, तब मैं ये बुजुर्ग को मान ले। तो गलियों में ये ऐलान करे, उसके बाद सरकार के आस्थाने को हाजिरी भी होगी। अब जैसे ही सरकार को मिले तो कदम बोस हुए और कलमा पड़े, ईमान में दाखिल। ईमान में दाखिल हो गए। सरकार वारिस पाक के यहाँ मजहब की कोई कैद नहीं, सरकार कहीं भी ऐसा नहीं बोले कि तुम्हें मजहब बदल को आज होगा, लेकिन जिन्हों इस्लाम कबूल करना चाहते उनको रोके दे, जिन्हों इस्लाम में दाखिल होना चाहते उनको इस्लाम में दाखिला दे देते, बाकायदा उनको कलमा भी पढ़ा देते। अब जिन्हों अपना मजहब नहीं छोड़ पाते उनके वास्ते सरकार वारिस पाक
सरकार वारिस पाक की शान ऐसी है। बोलते थे कि तुम्हें अपने मजहब को बदलो न को, जिस मजहब में ही वो मजहब में रखो जो सिर्फ मेरे से मोहब्बत करके, जो मेरे से मोहब्बत कर लेता है उसकी जिंदगी कामयाब हो। तो सरकार वारिस पाक का अलग ऐलान था, लेकिन सरकार वारिस पाक जिनको मोहब्बत की दावत देते थे, साथ में ये नसीहत भी करते थे कि देखो पत्थर ना पूजो, देखो पत्थर ना पूजो, छक्के का गोश्त ना खाओ, यानी कि मुर्दार मुर्दार गोश्त ना खाओ, पत्थर ना पूजो, झूठ ना बोलो, इंसाफ का दामन ना छोड़ो, सारे इस्लाम में जितने खूबियां ही सबके ऊपर आमादा कर डालते, बता डालते, फिर बोलते कि तुम्हें मजहब इस बताओ, उनका कुफर खत्म कर डालते थे। नाम बदलने की जरूरत नहीं, सरकार वारिस पाक दिला बदल डालते। अब ये पंडित जी जो आए कदम बसुए, कलमा पढ़ लिए, ईमान में दाखिल हो गए, अब बाहर घूमने निकले, तो इन्होंने जो ऐलान करने को फिरते थे कि मैं जो तमन्ना ले ले गई हूँ वो पूरी करना ये बुजुर्ग करोगे, तो जो सुने थे इतना उन्हें सब पकड़ लिए। पंडित जी को पिता को पूछे कि तुम्हें क्या गरज ले ले गए थे, क्या तुम्हें ले ले गए थे ना वो गरज पूरी होगी क्या? तो पंडित जी बोलते बाकायदा जो तमन्ना में ले ले गया था वो पूरी होगी। अरे अन्ना भी बताओ कैसा हुई पूरी, तो तमन्ना तुम्हारी कैसा पूरी हुई अन्ना भी बताओगे? तो वो पंडित जी बताती कि मैं खुदा से मिलने की बरसों से तमन्ना में था, बड़े बड़े आदमियों से पूछा, आखिरी में सरकार वारिस पाक का नाम सुना। अब जैसे ही सरकार वारिस पाक के आस्थाने में मैं हाजिरी दिया, चौखट पर कदम रखा, तो मुझे सरकार वारिस पाक काम भी नजर नहीं, मुझे एक चीज नजर आई कि जमीन से लेकर आसमान तक एक नूरी नूर था। जमीन से आसमान तक एक नूरी नूर फैलाया हुआ था। मैं फौरन भाग को गया और वो नूर के कदमों में गिरा। जैसे ही कदम बोसो को सजदा कर को जो सर उठा को देख रू, तो वो नूर नहीं बल्कि वारिस पाक में बना। क्या वारिस, क्या वारिस, हक 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 वारिस, क्या वारिस। जो सजदा कर को उनको देख रू तो वो नूर नहीं बल्कि सरकार वारिस पाक नजर आ रही। मेरे दिल कबूल कर लिया कि ये वो नूर, ये नूर खुदा बंदी है, इसके ऊपर ईमान लाना मुझे जायज होगा, मेरे ऊपर फर्ज होगा, इसके वास्ते में खत्म हो सुबह फौरन कलमा पढ़ कर ईमान में दाखिल होगा। तो सरकार वारिस पाक के महफिल में मिलने के वास्ते कौन कैसी तमन्ना ले ले को आते, उनकी तमन्ना सरकार वारिस पाक पूरी कर दोते। पिछले हफ्ते भी मैं ये बात का जिक्र करिया कि फजल हुसैन वासी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मिश्कातुल हक्कानिया में क्या लिखती कि सरकार वारिस पाक के मैं सरकार वारिस पाक के सामने कोसा भी आदमी कोसे भी ख्याल से क्यों ना आ जाए, सरकार की महफिल में कोसे भी ख्याल से कोसा भी शख्स सामने आ जाए, ये मुमकिन नहीं कि अपना दिल वापस ले जाए। वो दिल सरकार वारिस पाक के खत्मों में बिछा देते हैं। या वारिस, हक वारिस, 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 या वारिस। ये सरकार वारिस पाक आलम बना वारिस पाक की शान है। उनकी शान में अदना से दो बोल बोले, इनकी शान में पूरी जिंदगी हमें बोलते रहे तो भी वो शान उनकी खत्म नहीं होती, हमारे सबके बोल खत्म हो जाते।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार वारिस पार्टी शान में हर जुमेरात को हमें कुछ बोलते रहती सुनते रहती ताकि हमारे पीर की शान कितनी है, उनके अजमत कितनी है, उनकी किबरियाई उनकी बड़ाई कितनी है ये हमारे अंदर उतरगी तो उनसे मोहब्बत करना आसान हो जाता है, उनके कदमों में दिल बिछाना आसान हो जाता है, हमारी जिंदगी को उनके से उनके कदमों में लुटाना आसान हो जाता है। तो इसके वास्ते हमें जमा को बार बार बोलते रहते सुनते रहते सरकार आलम बना हमारी से बाग हमारे ये बोलने सुनने को कबूल फरमाए और सच्ची और पक्की आशिकी हम सबको नसीब फरमाए और या तो वेलन करना सकते ठीक है इंशाल्लाह नजर पेश कर ये पकड़े नहीं Allah 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 Allah